इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमा अपघ्नन्तो हरावणः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी अपने मित्रों को खोल लें। मंच पर विराजमान कवि एवं कवित्री महोदय महोदया एवं महाराणा युवा संघ आर्य समाज के समस्त कार्यकर्ता एवं सम उपस्थित गरुड़वासियों, आज आप लोगों के मैं दूसरी बार दर्शन कर रहा हूं। बहुत प्रसन्नता होती है आप सबको देख करके, इतना सुंदर उत्सव आप मनाते हैं। पिछली बार 2019 में आया था, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। अभी हम देख रहे थे पूरा शहर सजा रखा है, तो ऐसा हर जगह होता नहीं। आपके अंदर की ऊर्जा को, उत्साह को प्रणाम करता हूं। आज हम एकत्रित तो हुए हैं बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आप अभी आगे बहुत सुंदर कार्यक्रम सुनेंगे, मैं कुछ दो चार बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे क्रांतिकारियों का जो स्वप्न था उसको हमें पूर्ण करना है, उसमें हमें भी अपनी आहुति देनी है। यदि हम ऐसा समझें कि भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ये जिसके लिए जिए थे और उनका जो स्वप्न था वो पूरा हो गया है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। भगत सिंह का सपना ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मात्र अंग्रेज भारत से बाहर जाएं। आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो वे मात्र अंग्रेजों के विरोध में नहीं थे, वे अंग्रेजियत के विरोध में थे। जो अंग्रेजी कानून भारत में चल रहे थे वे उनके विरोध में थे। कमजोरों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को शोषित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, वे उस शोषण के विरोध में थे। और जब तक भारत में कुछ वर्ग के द्वारा, उच्च वर्ग के द्वारा, सत्ता के द्वारा मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, निम्न वर्ग को शोषित किया जाएगा, तब तक भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हुआ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। एक इतनी पवित्र आत्मा थी जिसने अपने निजी स्वार्थों से उठकर के अपनी जवानी को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। हमारे आदर्श कौन होने चाहिए वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किए नहीं गए। उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया वो हमें कभी बताया नहीं गया। हमें उन लोगों के बारे में बताया गया जिन्होंने इस देश के साथ षड्यंत्र रचे। जिस भरी जवानी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव अपने रक्त के कण कण को राष्ट्र के यज्ञ में आहुति के रूप में प्रदान कर रहे थे, तब इस देश के कुछ लोग जिनको बहुत बड़ा माना जाता है वो बुढ़ापे में किसी के साथ ब्रह्मचर्य की टेस्ट कर रहे थे। आपको पता है जिनको हम राष्ट्रीय पापा कहते हैं, है ना, जानते हैं ना, राष्ट्र पिता कहते हैं उनको, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उन लोगों को आदर्श के रूप में इस देश में प्रस्तुत किया गया है, कितने शर्म की बात है। और वे लोग हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, वे लोग हमें बताते हैं कि तुम ये गलत करते हो और तुम्हारी जो विचारधारा है वो गलत करती है। गांधी जी के सिद्धांतों पर हमें चलना है, हमें अहिंसा का पालन करना है। तो ये गांधी जी को अहिंसा की पहली कोई बात करके नहीं गए, वो हमारे शास्त्रों में पहले से कहा गया है, अहिंसा की बात की गई है, लेकिन जिस ढंग से प्रतिपादित किया गया उस बात को, वो हमें गुमराह करने का काम किया गया। लोग उनके कहते हैं कि सबसे पहला आतंकवादी गौड़से था, सबसे पहला आतंकवादी, लेकिन उससे पहले का आपको कभी नहीं बताते। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की वो कभी नहीं बताते। सबसे पहला आतंकवादी कौन था, अब्दुल रशीद था, वो कभी नहीं बताते। ये सत्य हमसे छुपाया जाता है और गलत ढंग से लोगों के सामने ऐसी प्रस्तुति दी जाती है। तो हमारे आदर्श कौन होने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए।
उन लोगों ने इस देश की मलाई खाई है और एक वो लोग हैं जिनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने अपनी जवानी को आहूत किया है। तो जब तक उनके विचारों का भारत हम नहीं बना लेते, तब तक अंतिम श्वास तक हम लड़ते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। तो भगत सिंह जैसे युवा कहां से निकलेंगे, उनके पीछे की आइडियोलॉजी कहां से आएगी? आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर ऊपर लिखा है उस पर महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्हीं के सिपाही थे भगत सिंह, जिनको हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भगत सिंह का आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो वो आर्य समाज से संबंध रखते थे। उनका ये जो पवित्र संस्कार हुआ था वो आर्य समाज में हुआ था, आर्य समाज के द्वारा हुआ था। जब भगत सिंह क्रांति के लिए घर से बाहर निकल गए थे ना, तो उनके दादाजी कहते थे कि कहाँ भटक रहे हो, आप घर में आ जाओ, तुम्हारा विवाह कराना है, ये सब करना है। तो उन्होंने अपने दादाजी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा था कि आपको याद है आपने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, जिसमें आपने कहा था कि दक्षिणा के रूप में अपने पोते को ही मैं इस राष्ट्र को समर्पित करता हूँ और मैं वही काम करने का अभी प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन को लगाया है। आज उनके आदर्शों पर हम चले ही नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आजाद हो गए। आप थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद जी का अभी चित्र लगा था, आप देखेंगे उनके जीवन की एक घटना देखेंगे तो आप पाएंगे। एक बार चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ, जो लोग गरीबों का शोषण करते थे, उनसे खून चूसते थे, उनका पैसा चूसते थे, उनसे कुछ संगठन के लिए अर्जित करने के लिए गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जब लौट करके आए था ना, उनके एक साथी नाश्ते के लिए ब्रेड लेकर के आए। ब्रेड तो खाते हैं आप लोग, ब्रेड लेकर के आए। तो चंद्रशेखर आजाद ने देखा इसके लिए पैसा कहां से आया आपके लिए, हम तो ढंग से भोजन भी नहीं कर पाते हैं और आप लोग ब्रेड खाओगे। तो उस समय कोई एक दो रुपए पांच रुपए की आती होगी। तो वो कहते हैं ये संगठन का पैसा है, ये राष्ट्र के लिए लगेगा, इसमें से हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए इसके धन का हम किंचित मात्र भी उपयोग नहीं करेंगे। इतना ऊंचा संकल्प था चंद्रशेखर आजाद जी का। और वो इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते थे, जैसा कि वेद में भी कहा है कि इस राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो, यदि ऐसा समझते हैं तो आप इसे हानि नहीं पहुंचाते। तो जो तथाकथित नेता हैं वो ऐसे भाषण लगाएंगे चंद्रशेखर आजाद और उसकी बात करेंगे, तो एक चंद्रशेखर आजाद थे जो ब्रेड दो रुपए की नहीं खा सकते थे और वो उनका नाम लेकर के इस देश की संपत्ति को डकार कर रहे हैं, डकार ले गए, पता ही नहीं चला, कोई स्विस बैंक में भेज रहा है, कोई कहीं कहीं पर भेज रहा है। इस देश में कभी भी सत्य की बात की नहीं जाती और जो भी अत्याचार और अन्याय के विरोध में आवाज उठाता है उसके साथ भी वही होता है जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ। क्या आज हमने उनके सपनों का भारत बनाया? क्या आज शोषण होना बंद हो गया है? क्या अत्याचार नहीं हो रहा है हमारे साथ? क्या आज की कर रही है? हम पहले कहते थे कि काला धन और ये सब लाएंगे, कहाँ है वो, कौन पूछने वाला है, कोई बात करता है क्या? वो भी राष्ट्र की संपत्ति है, वो राष्ट्र के सामने क्यों नहीं आ रही, उसकी बात कौन करेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद होते, आज भगत सिंह होते, तो क्या वो ऐसा करते? क्या वो ऐसा किसी को करने देते? तो जो इस देश की बातें तो करते हैं लेकिन वास्तव में क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलने की बात बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो अहिंसा के जो गलत पाठ हमें पढ़ाए गए कि ये तो अहिंसावादी हैं, गौड़से को गाली दी जाएगी, कभी किसी को गाली दी जाएगी, लेकिन आपको पता है जिस दिन जिनको महात्मा कहते हैं, वैसे तो वास्तव में वो महात्मा महात्मा क्या, मैं तो दुरात्मा कहता हूँ, जिनको आप महात्मा कहते हैं ना, वो वास्तव में तो दुरात्मा थे। और उस दुरात्मा की कई सारी ऐसी कहानियां, तो वो अहिंसा का पाठ तो मैं सुना के गए, लेकिन 30 जनवरी 1948 को जब उनकी छाती में कुछ गोली पड़ गई थी, उनको थोड़ी सी ठंडक आई थी, उसके बाद में जो लोग अहिंसा की बात करते थे ना, जो क्रांतिकारियों का विरोध करते थे, वो चंद्रशेखर आजाद को गाली देते थे, वो भगत सिंह को कहते थे कि भटके हुए नौजवान है ये, वे लोगों ने फिर गौड़से का जो उपनाम है उनका, उनके व्यक्तियों को, उनके सरनेम के, जाति प्रजाति हम जिन्हें आज मानते हैं जात पात का, उनको खोज खोज करके उनके घरों में आग लगाई। जब उनकी हत्या हुई थी तो उसके 5 घंटे में उनकी जनमंडली पूरे देश में पहुंच गई। वो पहुंचाने वाले कौन लोग थे? ये अहिंसावादी लोग कथित अहिंसा की बात करते हैं और उन्होंने ब्राह्मणों के घर में आग लगाई। ये जो कांग्रेस के जो लोग ऐसी बात करते हैं, तब कोई अहिंसा की बात नहीं करते, तो अहिंसा भी हमारा
लेकिन वेद हमें यह भी सिखाता है, वेद कहता है इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा गृणवन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावणः। आप अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति का संचय करो, बल बढ़ाओ और संसार को श्रेष्ठ बनाओ, स्वयं भी श्रेष्ठ बनो और दुरात्माओं का संहार करो, विनाश करो, उनकी छाती पर चढ़ करके उनका रक्त का पान करो, ये वेद कहता है। क्या ये अहिंसा की बात है? इससे कोई अहिंसा खंडित हो जाती है? जो हमारे साथ जैसा करता है वो हमें वैसा करना चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मार्ग पर हमें चलना है। कुछ लोग देखो उनके नाम पर तो हमें भ्रमित कर ही रहे हैं, देवी देवताओं के भगवान के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर भी हमें भ्रमित करने का काम किया। आपको पता है सबसे ज्यादा गालियां किसे दी जाती हैं क्रांतिकारियों में? वीर सावरकर को, जिनको हम वीर कहते हैं ना, उनको वो लोग कायर कहते हैं, माफी वीर कहते हैं। आप देख रहे हो वो राष्ट्रपिता बन गए जो टेस्टिंग कर रहे थे और जिन्होंने काला पानी की सजा भुगती, उनको गालियां मिलती है। ये देश है हमारा, हम कितने कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर है नहीं, है ना? चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, 23 वर्ष के नौजवान भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया, वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी, लाला लाजपत राय ने अपने सर पर लाठियां खाई और लोग कह रहे थे आजादी चरखे से आई। कमाल है, जिन्होंने अपने जीवन को आहुत कर दिया वो तो साइड में कर दिए और उनको बोल रहे हैं राष्ट्रीय बापू। एक और थे चाचू, बापू और चाचू दोनों ने मिलकर के नैया डुबो दी देश की, इतना पी रखे थे कि गुलाब लगाना पड़ता था छाती पर। आपको पता है आप लोग जब मोजे पहनेंगे गर्मियों में तो उसमें से बदबू आती है तो सेंट लगा लेते हैं, सेंट लगा देना तो किस लिए? ताकि वो दुर्गंध लोगों तक ना पहुंचे। तो चाचू हमारे यहाँ पर वो लगाते थे गुलाब, ताकि उन्होंने जो मदिरा पान किया है ना वो लोगों तक ना पहुंचे। ये राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग थे, ये राष्ट्र की सेवा कर रहे थे, तो राष्ट्र की सेवा के नाम पर हमें लूटा गया। और हम अपने क्रांतिकारियों की सही विचारधारा से न जुड़ जाएं उसके लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं वामपंथियों के द्वारा। महर्षि दयानंद जी की विचारधारा से जुड़े थे भगत सिंह, और भगत सिंह ने आपने बताया देश के लिए कितना काम किया, और वामपंथी उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, उनके पीछे का क्या काम चल रहा है इस देश में। क्रांतिकारी तो चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे, वीर सावरकर भी थे, लेकिन भगत सिंह का नाम ज्यादा लेकर के वो क्या करते हैं? आपको लगेगा कि ये भगत सिंह को बड़ा प्रेम करते हैं। भगत सिंह के पीछे वो एक लेख है जो अंतिम समय में मैं नास्तिक क्यों हूं उन्होंने लिखा था, उसके पीछे वो उस विचारधारा का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं हमको कई बार, मेरे को बोला जाता है कि आप भगत सिंह को इतना मानते हैं, पूजते हैं, तो आप उनकी विचारधारा को क्यों नहीं मानते? वो तो नास्तिकता की बात करते थे, वो तो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते थे, और आप तो ईश्वर ईश्वर करते हैं, अपना प्रवचन ही ओम से प्रारंभ करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो आप तो भगत सिंह को मानते ही नहीं है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, भगत सिंह हमारे आदर्श किस लिए हैं? उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी इसीलिए, या वो अंतिम समय में नास्तिक हो गए थे इसीलिए? उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, शोषण के विरोध में आवाज उठाई, फांसी का फंदा उन्होंने चूमा, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं? उनकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर के नहीं है? और जो लोग उनकी धार्मिक मान्यताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं उसके पीछे वो अपना हिडन एजेंडा चला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप भगत सिंह की सारी विचारधारा को मानते हैं क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, बुद्धिमान थे, तो फिर मैं कहता हूं कि उनका नाम कौन लेगा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। क्या वो क्रांतिकारी नहीं थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपको पता है जब उनको अंतिम समय में, मृत्यु के अंतिम समय में भी उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, दंड लगाई और मंत्र बोला ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद् भद्रम तन्न अशुभ। तो यदि क्रांतिकारी ही हमारे आदर्श, उनकी विचारधारा आदर्श है, तो क्यों ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की विचारधारा को वामपंथी लोग मानते हैं? नहीं मानते ना, क्योंकि ईश्वर को मानना पड़ेगा, आत्मा को मानना पड़ेगा जो हमारे सनातन धर्म का मुख्य अंग है। तो वो नास्तिकता परोस रहे हैं भगत सिंह को सामने रख करके, तो हम उनकी क्रांतिकारी भावना की पूजा करते हैं, आदर करते हैं, और हम कहते हैं कि भगत सिंह जैसे लोग तो युगों युगों में पैदा होते हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। उसके लिए एक बड़ा संकल्प चाहिए, देश के लोगों को, युवाओं को बर्बाद करने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं,
आपको पता है गांव में जब चोरी होती है ना तो गांव में किसी की भैंस खोल करके ले जाते हैं चोर, तो क्या करते हैं उसमें से एक चोर क्या करता है, भैंस के गले में से वो घंटी खोल लेता है, एक दूसरे खेत पर जाकर के बैठ जाएगा अंधेरे में और वो घंटी बजाता है। तो जिनकी चोरी हुई, जिनकी चोरी होती है तो वो सोचता है मेरी भैंस इधर है, तो वो उस घंटी के पीछे चले जाते हैं। होता क्या है, वहां केवल घंटी घंटी होती है, भैंस को दूसरे रास्ते से लेकर के चले जाते हैं चोर, और हमारे हाथ में लगती है तो सिर्फ घंटी। ये हाल हो रहा है हमारे साथ। हमारे सामने भारत में जो जो मीडिया है ना, जो बड़े स्तर पर कुछ पत्रकार ठीक हो सकते हैं, लेकिन टीवी पर एक झुनझुना हमें पकड़ा दिया जाता है, जिसमें आपको यही बातें बताई जाती हैं, अमिताभ बच्चन का पेट साफ हुआ कि नहीं, ये बात आपको बताई जाएगी। तैमूर, उसका करीना खान का बेटा तैमूर, सीढ़ियों से फिसलते फिसलते बचा, क्या करें आप, एम्बुलेंस बुलाए क्या करें, ये बताते हैं वहां पर टीवी पर बैठ करके। देश के सामने ये मुद्दे होने चाहिए थे, भगत सिंह के सपनों के भारत की बात होनी चाहिए थी, शोषण के विरोध में आवाज उठनी चाहिए थी, और वो बता रहे हैं वहां पर बैठ करके हमें कि सलमान खान की टी शर्ट थोड़ी सी यहां से फट गई है नीचे। ये झुंझुना हमें टीवी पर बैठ करके पकड़ा दिया जाता है राजनेताओं के द्वारा, इस देश की सत्ता के द्वारा, कि तुम टीवी पर देखते रहो तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। ये षड्यंत्र हमारे साथ चल रहे हैं। एक बॉलीवुड, एक कचरा बुड़ है, जो जिसे मैं कहता हूं भांड बुड़ के जो लोग हैं वो इस देश को खराब करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने अय्याशी परोसते हैं, आपको कभी भी नहीं बताते कि भगत सिंह कौन है, उस पर तो बहुत ज्यादा फिल्में कभी बताई नहीं जाती, उनके बारे में कभी बताया नहीं जाता, उल्टे सीधे गाने और वो सब बताए जाते हैं। आजकल एक वो गाना चल रहा है, वो सेंट लगावे चुन्नी में, है ना, चुन्नी में जो सेंट लगावे चुन्नी में, क्या करूं सुनूं क्या करूं उसका। अरे जिस देश में गाने होने चाहिए थे टीवी पर बैठ के बोलना चाहिए था मेरा रंग दे वसंती चोला, ये बोलना चाहिए था वहां पर बैठ करके, वो नहीं बताते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, ये बताना चाहिए था वो वहां पर बैठ करके, वो अय्याशी से कह रहे हैं। एक चीज चला दी है आपके सामने, हमारे देश के युवा, ये पूंजीवाद का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप स्क्रीन में लगे रहो तब तक वो गेम बजाते रहेंगे, आप स्क्रीन में रील देख रहे हैं, उसमें रील देख रहे हैं, चला रहे हैं उसको, अपने जीवन के 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। अय्याशी में आपको भेज दिया गया, आपका माइंडसेट वहीं पर चलता रहता है, आप उसमें चलाते रहते कच्चा बादाम, तब तक असली बादाम देश का वो खा गए, मेरे जैसे टुकड़े हैं उनके सफेद से, है ना, आप उसी में लगे रहो, आपके पास ना कच्चा बादाम बचेगा ना पक्का बादाम बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमारे देश की प्रॉपर्टी पर कुछ लोग ऐसे फन फुंकार करके बैठे हुए हैं, हम उनके लिए कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं, हम न्याय के लिए कभी बात ही नहीं करते हैं। हमारे सामने टीवी और वो अखबार रख दिया गया है, उसमें विज्ञापन दिए जा रहे हैं, आप उसमें देख करके क्रीम खरीदो, वो सब खरीदो, हनी सिंह कौन है वो सब बताया जाएगा, भगत सिंह कौन है वो कभी नहीं बताया जाएगा। आप बताइए 15 अगस्त और 26 जनवरी दो दिन को, और आज 23 मार्च है, तो हम ये ग्राउंड में ही इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, नहीं तो ऐसे कार्यक्रम कहीं कहीं होते हैं, एक आध जगह होते होंगे, तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के विषय में वर्ष में 2 या 3 दिन बताया जाएगा, और फिर हनी सिंह के विषय में 363 दिन बताया जाएगा, तो हमारे देश के युवा क्या बनेंगे बताओ, हनी सिंह बनेंगे भगत सिंह बनेंगे? जो हमारे सामने सबसे ज्यादा आता है ना, वो थॉट हमारे सामने आते हैं, हम वही बनते हैं। तो हमारे सामने उनको कभी भी ढंग से प्रस्तुत किया ही नहीं गया है, और जिनके जो नारे लगा रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने लिख लिया है यहाँ पर शहीद दिवस, और ये शहीद हुए थे, सरकार आज भी इनको शहीद नहीं मानती है डॉक्यूमेंट। डीयू में एक पुस्तक पढ़ाई जाती है जिसमें कहा गया कि भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकवादी थे, क्रांतिकारी आतंकवादी, रिवॉल्यूशनरी क्रिमिनल, उस पर अभी बाद में अभी बैन लगाया गया था, तो उनके जो पौत्र हैं उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, लेकिन ये सरकार कह रही है कि संविधान उसके आड़े आ जाता है, तो हम इनको उपाधियां नहीं दे सकते शहीद की, हम लिख लेते हैं, लेकिन सरकार आज भी इनको इनके जो सम्मान वास्तव में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सरकार ने बोला ऐसे राज्यसभा में और उसमें बोला गया, वो तो सम्मान से ऊपर उठ चुके थे, उन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है, उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन भारत रत्न और ये सब पद्मश्री इनको चाहिए, ये सम्मान से ऊपर कभी नहीं उठेंगे। राष्ट्रवाद पर बातें तो बहुत होती है, लेकिन जब तक उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन दूसरे के घर में, ये कहावत आजकल बहुत प्रचलित है, लेकिन हम फिर भी उस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें भगत सिंह के मार्ग पर चलना है। नहीं देखो, बातें तो बिल्कुल राष्ट्रभक्ति की बहुत अच्छी अच्छी होती रहती हैं, आपको गलत चीजों में बिल्कुल नहीं फंसना है। एक कवि है, उनकी एक कविता मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक पंक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीयूष मिश्रा जी का आपने सुना होगा आरंभ है प्रचंड, उसमें एक पंक्ति है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम रीत, उस कवि को आज तुम नकार दो, है ना। एक बात और बोलते हैं वो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। ऐसे कवियों की आवश्यकता है। अभी आप अमित जी को सुनेंगे, ऐसे कवियों की आवश्यकता है, है ना। वो जब ऐसे लोग आपको जब बस प्यार और मोहब्बत की बातें करके ना इस देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वीरता हमारे अंदर भर नहीं रहे, नपुंसकता भर रहे, निर्वीर्यता भर रहे हैं, तुम बस इसी में फंसे रहो, बस सैड स्टेटस लगाओ अपनी स्टोरी पे जैसे तुम्हारा कोई बाप मर गया है ना। बताएंगे तो तुम्हें उस चीज के लिए जागरूक होना है, उस बात को समझना है, तो आपको महर्षि दयानंद की विचारधारा से जुड़ना है। उस समय आजादी के समय में सबसे अधिक क्रांतिकारी किसी संगठन के थे तो वो आर्य समाज के थे, क्योंकि आर्य समाज के संगठन की जो आत्मा है उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और राम प्रसाद बिस्मिल को आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक है जिसने मेरे जीवन का तख्ता ही पलट दिया। तो वहां से बॉम्ब बोलते हैं बॉम्ब। स्वामी श्रद्धानंद का नाम आपने सुना होगा, वो एक गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। अंग्रेज वहां पर जाते थे गुरुकुल में, तो वो कह रहे थे कि हमने सुना है कि तुम यहां पर बॉम्ब बनाते हो, तो उन्होंने कहा आपने ठीक सुना है, हम बॉम्ब बनाते हैं। तो उन्होंने जांच की, पड़ताल की वहां पर, तो अंग्रेज उठा उठा के पलट रहे थे, जैसे अभी मंच है तो ये कुर्सियां उठाई जाए, कभी चटाई उठाई जाए, किसी के नीचे तो बॉम्ब नहीं रखा है, तो उनको कहीं पर भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। तो वो कह रहे हमें तो गलत जानकारी मिली, तो ठीक है स्वामी जी हम क्षमा चाहते हैं, हम अभी जाते हैं। तब वो जाने लगे ना, तो लौट करके उनको बुलाया स्वामी जी ने, अरे मिठा अंग्रेजों की औलाद कहां जा रहे हो, इधर आओ तुम्हें बम दिखाते हैं। तो जब वो वापस लौट करके आए ना, क्या तुम्हें बम नहीं दिखे, कि नहीं दिखे, कि अंधे ऐसे नहीं दिखेंगे, ये दूसरे प्रोडक्ट है हमारे, आप देखो। तो वहां पर कोई कबड्डी खेल रहा था, कोई कुश्ती कर रहा था, कोई मलखंब कर रहा था, कोई मुग्गर घुमा रहा था, ऐसे ऐसे पहलवान लंगोटधारी ब्रह्मचारी गुरुकुल के। वो कह रहे थे ये है मेरे बॉम्ब जो तुम्हारी सत्ता को फाड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा तो इनको तो हम किसी भी तरीके से अरेस्ट कर नहीं सकते, ये तो हमारे संविधान में कहीं आता नहीं है। तो चल दिए, तो उन्होंने कहा फिर बुलाया उनको इधर आ। अरे भैया बम बनाने का फॉर्मूला तो देखता जा, बम बनाने का फॉर्मूला तो देखता जा। तो उनके टेबल पर रखा था सत्यार्थ प्रकाश, उसको उठा के बताया कि ये मेरा बम बनाने का फॉर्मूला है जिससे मैं दिन रात बम बनाता हूं। वो सारी चीजें आपको नहीं बताएंगे, उस किताब के बारे में नहीं बताएंगे, है ना। ये आपके साथ क्या करेंगे, ये कुछ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। एक फिल्म आई थी पीके करके, पीके थी, ये 3D इडियट्स में था वो, है ना, इडियट ही है वो जिसने एक फिल्म बनाई थी। तो उस इडियट की फिल्म में एक व्यक्ति क्या करता है, जब लोग परीक्षा देते हैं ना, तो उनके दरवाजे के नीचे से एक मैगजीन घुसा के जाता है, देखिए ना आपने, तो मैगजीन दे देता है, तो वो क्या है, वो सारी रात बैठ के अंतरवासना पढ़ते हैं, वो गलत गंदी बातें उसमें पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, तब तक परीक्षा निकल जाती है, और वो अपने नंबर आगे ले जाता है, क्योंकि उसे तो पता है वो षड्यंत्र रच रहा है। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ टीवी पर वो सारी गलत चीजें परोस दी जाती हैं, उनको पता है कि यदि इस देश के लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया तो फिर हमारी कुर्सी पर खतरा मंड रहेगा, और नेता लोग नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी के पीछे कोई भी ऐसा काम हो जो उनको फिर कष्ट हो उस बात से। तो मैं कहता हूं आप लोगों से, आप एक बार सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैं तो आपको कोई बात 10 मिनट बता दूंगा, 20 मिनट बता दूंगा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। तो आप भगत सिंह को पढ़ो, महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ो, स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ो, गलत लोगों को बिल्कुल मत पढ़िए। ये वामपंथ दूसरे ढंग से लोगों का प्रचार करता है, आपको पता है, एक तरफ तो जातिवाद का उसका, वो दूसरी बात करेंगे, और चंद्रशेखर आजाद की बात आएगी ना, अभी एक कवि है, मैं उनका नाम नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, शुक्ला जी है करके पीछे, तो उन्होंने एक कविता बोली थी जियो तिवारी जनेऊधारी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि आप लोगों को तिवारी कैसे कहते हैं। मनोज शुक्ला जी, मनोज मुंतशिर है ना वो, अभी शुक्ला उन्होंने बाद में लगा लिया उसका,
तो उन्होंने जियो तिवारी जनेऊ धारी बोली तो बहुत सारे वामपंथियों को आग लगी कि आप जनेऊ का प्रचार क्यों कर रहे हैं। भाई साहब, क्रांतिकारियों को मानते हो तो सबका सम्मान करो ना, क्यों नहीं करते हो? तो हमें अपने क्रांतिकारियों से जुड़ना है, उनकी विचारधारा से जुड़ना है। जहां से आपके अंदर क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न होती है, उन विचारों से जुड़ना है। ये नौटंकी इस देश में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बातें आप तक परोसी जा रही हैं, उससे दूर रहें। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि एक जो गीत है जो हम गाते रहते हैं, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, हाँ फिर से कोई दयालु, हाँ फिर से कोई दयालु, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर, फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें खा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे भगवान आर्यों को। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना ऊंचा संकल्प दे कि वो फिर से ऐसी प्रार्थना करे कि घर घर से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद, बिस्मिल निकले, जिससे कि ऐसे लोगों का खात्मा हो जो इस देश के साथ षड्यंत्र रचते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध सारे दिन जहर उगलते रहते हैं। ऐसे लोगों की छाती पर पैर रख करके हमें उनको सबक सिखाना है, और ये आर्य पुत्र ही ऐसा कर सकते हैं। और आपके बीच में कमलेश जी, मैं इनके जोश को देख करके मैं पहले ही दिन से बहुत प्रणाम किया, मैं काफी दिनों से हमसे जुड़े हैं। ऐसे लोगों की घरोट को आवश्यकता है, ऐसे लोगों को ही भारत को आवश्यकता है। यदि ऐसे लोग ऐसे आर्य घर घर में पैदा हो जाए तो इस देश को फिर से सनातन राष्ट्र, वैदिक राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तभी इस देश का, हमारे वेदों का संकल्प पूर्ण होगा। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरात् कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो आरावणः। आप सब लोगों ने मुझे पहले भी बहुत प्रेम दिया था, आज भी बहुत प्रेम दिया, और प्रेम से आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान श्री राम चंद्र की, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, नीति निपुण आचार्य चाणक्य की, वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जावान उद्बोधन आचार्य जी का मैं एक बार चाहूंगा पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों से आचार्य जी का स्वागत करें। आचार्य जी ने
आचार्य जी ने हमें संकेत किया कि किस प्रकार षड्यंत्र हमारे बीच में चल रहे हैं।